ठीक है, आयन चेन कंपाउंड का, ठीक है, कार्बन रिलेटेड अगर चेन कोई कंपाउंड है उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसको जानेंगे। ठीक है, जैसे चेन के फॉर्म में दिया रहा होगा तो हम उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो उसके कुछ नियम है या कुछ रूल है उसके बेसिस पे नाम लिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल सकते हो रूल ऑफ आईएसी नोमेनक्लेचर, रूल आईएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, किसी भी कार्बनिक चेन दिया रहेगा उसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, स्पेशली एल्केन चेन का, जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम लिखने सबको आता है, जैसे एल्डिहाइड तो क्या लिखेंगे आलो। ठीक है, कीटो में क्या लिखते हैं ऑन, और उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लिखते हैं ओइक। ठीक है, ईथर में क्या लिखते हैं ऑक्सी, एस्टर में क्या लिखते हैं ओइक। लेकिन अगर कोई चेन के रूप में दिया हो जैसे स्पेशली एल्केन चेन, तो उसके लिए कुछ रूल है, तो फर्स्ट रूल देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन मतलब जैसे एग्जांपल देखो जैसे ये कोई कंपाउंड है। ठीक है, ये कंपाउंड है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे तो दोनों साइड से कर सकते हैं, जैसे इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3 और 4, कितना नंबर तक आ रहा है 4। अब इधर से करो, इधर से हम बाएं साइड से किया, अब दाएं साइड से करेंगे तो 1, 2, 3 और 4, इधर से भी 4 आ रहा है। अब देखेंगे कि इधर से 4 से ज्यादा आ सकता है, अब इधर से इधर भी है तो इधर से काउंट करके देखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इधर ज्यादा आ रहा है, इधर से हम कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 5 आ गया, मतलब आप नोमेनक्लेचर इधर से करेंगे, जिधर से लंबा चेन आएगा। ठीक है, नंबरिंग जिधर से ज्यादा आएगा, जिधर से कार्बन का काउंटिंग ज्यादा होगा, पहला रूल यही है, जिधर से नंबरिंग कार्बन नंबर ऑफ कार्बन जिधर ज्यादा आएंगे फर्स्ट प्रेफरेंस उधरी मिलेगा। नहीं अभी पहले हम देख रहे थे कि इधर से लिख रहे थे कि नहीं, लेकिन अभी देखे इधर जा रहे हैं तो 5 कार्बन आ रहे हैं, तो नाम इसी के बेसिस पे लिखूंगे, तब बताओ क्या नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, इधर जा रहे हैं देखो 1, 2, दूसरे पोजीशन पे क्या है एक CH3 ग्रुप है, और उसके क्या लिखते हैं 2-methyl, क्या बोलेंगे 2-methyl, ये हो गया। उसके बाद तीसरे कार्बन पे जाएंगे, तीसरे में ये चौथा और पांचवा, तो तीसरा और चौथा इधर चलेगा, पांचवा मतलब तीसरे कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्रांच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तीसरे पोजीशन फिर से मेथिल आ गया। ठीक है, तो मेथिल फिर मेथिल, उसके बाद चौथा पांचवा, 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे पेंटेन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया पेंटेन। तो ये है फर्स्ट रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल 2-methyl-3-methyl-pentane। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे अगला रूल आएगा उसमें इसको बताएंगे, लेकिन इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों जगह मेथिल मेथिल ही आ रहा है कि नहीं, तो क्या लिख सकते हो 2-3, क्या लिख सकते हो साथ में 2-3, अब कितने मेथिल है 1 और 2, तो क्या लिख सकते हो 2-3-dimethyl।
डाइमेथिल पेंटेन। ठीक है, 2-3 डाइमेथिल पेंटेन। समझ गए इसको? पहला रूल समझ में आया कि नहीं? तो कार्बन काउंट करना है जिधर से भी नंबरिंग ज्यादा आएगा स्टार्ट तुमको उधर से करना है। ठीक है, तो ये है लॉन्गेस्ट चेन रूल। अगला दूसरा है नंबरिंग ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इन चेन। ब्रांचिंग पोजीशन भी हो सकती है, ब्रांचिंग पोजीशन। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम या ब्रांचिंग पोजीशन। ठीक है, कैसे ब्रांच होता है उसको देखने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल दिया है CH3। ठीक है, CH3 उसके बाद है CH2। हाँ, उसके बाद CH2 CH3। जैसे ये को कंपाउंड है, ये को कंपाउंड है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इधर से कहाँ शुरू करेंगे, किसे पता चलेगा कि हम बाएं साइड से शुरू करेंगे या फिर दाएं साइड से शुरू करेंगे? ठीक है, इधर से काम करेंगे तो आप देखो एक ब्रांच है, ये क्या है? ब्रांच। ठीक है, तो इस सेकेंड रूल में क्या देखा जाता है? जिधर से काउंटिंग करेंगे उधर से काउंटिंग होगा, जिधर से ब्रांच पहले आ गया। ठीक है, तो ब्रांच इधर से पहले आ रहा है, देखो 1-2 इधर से क्या है, दूसरे पोजिशन पे आ रहा है। और मान लिया जाए हम इधर राइट साइड से करते, तो देखो 1-2-3-4 इस पोजिशन पे आ रहा है 4। ठीक है, तो नंबरिंग इधर से होगा, इधर से तो क्या नाम होगा इसका? 2 में क्या है? मेथिल 2 मेथिल। अब कार्बन काउंट करो 1-2-3-4-5 तो क्या नाम होगा इसका? पेंटेन। क्या नाम होगा? पेंटेन। 2 मेथिल पेंटेन। अब और एक कंपाउंड है जिसका नाम तुम्हें बताना, जैसे CH3 है, CH2 CH3 CH3 बताओ इसका क्या नाम होगा? इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा? 2-methyl-butane। हाँ, इधर से काउंट किए राइट साइड से, तो इधर से क्या आ रहा है? सेकंड पोजीशन आ रहा है। अगर इधर से करते तो किसमें आ रहा है? 1-2-3 पे नंबरिंग उधर से होगा, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2-methyl-butane। ठीक है, 2-methyl-butane। ये था सेकंड रूल, समझ गए ना? अब थर्ड रूल देखो। थर्ड रूल क्या बोलता है? नेम ऑफ ब्रांचिंग इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। नेम ऑफ ब्रांचिंग इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो अगर किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, अगर कोई चेन दिया है जिसमें एक से ज्यादा ब्रांच है,
ठीक है, एक से ज्यादा ब्रांच है तो हम किसको पहले लिखेंगे, और ब्रांच भी अलग अलग है, ठीक है, जैसे मेथी जुड़ा हो या इथे जुड़ा हो, जैसे देखो एग्जाम्पल से और जैसे ये कोई कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 CH2 कंपाउंड है, ये क्यों कंपाउंड है। अब इसमें हम नंबरिंग करेंगे तो बता किधर से नंबरिंग करेंगे, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से या ऊपर से बता। इधर से करेंगे लेफ्ट साइड से, ठीक है, क्योंकि इधर से क्या है सेकंड कार्बन पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे हम, इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो ब्रांच कहाँ कहाँ आ रहा है, दूसरे कार्बन पे एक ब्रांच है और एक चौथे कार्बन पे, क्या क्या ब्रांच है, ये तो क्या होगा मेथिल, अरे क्या होगा, क्या नाम है इसका, एथिल, ठीक है, CH3 CH2 मतलब क्या होगा C2H5 है, उसी को तोड़ के लिखे हैं CH2 CH3, मतलब क्या हो गया एथिल, क्या हो गया एथिल। अब नाम क्या होगा इसको, दूसरे क्वेश्चन क्या है मेथिल, क्या हो जाएगा 2 मेथिल, और चौथे पोजीशन पे क्या है, क्या है एथिल, और क्या नाम होगा आगे, क्या होगा हेप्टेन, 7 को क्या बोलते हैं हेप्टेन, हेप्टेन। लेकिन अभी मैं बोला ये इसका सही नाम नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी बोला कि जो ब्रांच होंगे उसको हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। हाँ कंपनी का कोड तो बता, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कौन पहले आएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एक मेथिल है जो किसे शुरू हो रहा है एम से, अरे एक एथिल है वो किसे शुरू हो रहा है ई से, ठीक है, तो एम और ई में कौन पहले आता है ई, तो इसका सही नाम क्या होगा, इसका गलत नाम है मतलब सही नहीं है, क्या लिखेंगे पहले 4 एथिल 4 एथिल फिर 2 मेथिल 2 मेथिल हेप्टेन, ठीक है, ये इसका सही नाम है 4 एथिल 2 मेथिल हेप्टेन। तो अगर तुम ऐसे लिखते जनरली जैसे एग्जाम में लिखते, अभी जैसे 11th का एग्जाम में या 12th का एग्जाम में तो सही दे देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में तुम बैठोगे तो तुमको ये ऑप्शन भी मिलेगा और ये ऑप्शन भी, उस समय अगर तुम पता नहीं किए रहोगे तो इसी को तुरंत टिक कर दो, करोगे कि नहीं, तो ये भी सही है देखा जाए, लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर देखा जाए तो ये रहेगा, क्योंकि तुमको दोनों ही दोनों ऑप्शन वहां मिलेंगे। तो ये था थर्ड रूल, उसके बाद और एक लास्ट रूल देखेंगे, लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल। सम मतलब क्या होता है, जोड़ना, क्या होता है जोड़ना, ठीक है, तो लोएस्ट सम रूल का बोलने से क्या मतलब है, अगर किसी कार्बन चेन जुड़ा हो, ठीक है, कार्बन चेन जुड़ा हो तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, तो उसको कैसे देखेंगे, जैसे एक ही पोजीशन पे दो चेन है, ठीक है, या एक ही पोजीशन पे दो ब्रांच है, देखो जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे ये कोई कंपाउंड है CH3 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 CH2 CH3, जैसे ये कोई कंपाउंड है,
ठीक। अब इसका हम नाम कैसे लिखेंगे, तो बताओ किधर से स्टार्ट करेंगे? इधर से स्टार्ट होगा, राइट साइड से स्टार्ट होगा कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा? क्योंकि दोनों साइड से ही तो सेकंड सेकंड नंबर में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो इसको अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें ब्रांचिंग सेम पोजीशन में आ जा रहे हैं, तो इसके लिए एक रूल दिया गया है, लोवेस्ट सम रूल। तो इसके लिए कैसे काउंट करें, लोवेस्ट सम रूल का मतलब क्या है? जैसे मान लिया जाए हम इधर से लिखते हैं नंबरिंग, इधर से 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या होगा? दूसरे पोजीशन पे दो मेथिल है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? 2 2 डाई मेथिल। क्या लिखेंगे? 2 2 डाई मेथिल। और चौथे पोजीशन फिर से क्या है? मेथिल 4 मेथिल, या 2 2 4 ट्राई मेथिल हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? 2 2 4 ट्राई मेथिल, 1 2 3 4 5, 5 मतलब क्या लिखेंगे? 10 10। तो देखो ये 2 2 4 आ रहा है, ठीक। अब मान लिया जाए हम सपोज इधर से नाम लिखते, इधर से 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। तो क्या नाम लिखेंगे इधर से बताओ? क्या लिखेंगे? 2 4 4 कितना? ट्राई मेथिल पेंटेन। दोनों तरह से नाम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही सेम पोजीशन पर ब्रांच आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं? हाँ। तो अब काउंट करके देखना है कि उसको देखो किसको, इसको 2 प्लस 2 प्लस 4 कितने आ रहे हैं? 8। अब इसको काउंट करके देखो 2 प्लस 4 प्लस 4 कितने आ रहे हैं? तो रूल क्या है, लोवेस्ट जोड़ने से क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए। इधर कम आ रहा है इसमें, तो नाम किधर से लिखेंगे? इधर से, ठीक है। मान लीजिए ये वाला सही है, ये क्या है? गलत, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो तुमको देखना है कि अगर ब्रांच सेम पोजीशन पे आ रहे हैं तो तुमको काउंट करके देखना है कि इसमें काउंटिंग नंबर कम आ रहे हैं, जिसमें कम आएंगे नाम उधर से लिखना है। समझ गए? तो ये कुछ रूल है एल्केन ग्रुप के। तो ये जैसे मैं कल बता रहा था फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो इसमें भी अप्लाई होगा ये, ठीक है। सेम उसी अप्लाई होगा। जैसे मान लिया जाए इसी इसी की जगह ये रहता CH3 CH2 OH, ठीक है। उसके बाद CH2 CL CL, उसके बाद CH2 COH। तो ये